छात्रों, हमने इससे पहले परिच्छेद क्रमांक एक पढ़ा है। इस परिच्छेद में अमरनाथ जी के एक्सीडेंट हुआ वो हादसा दिखाया गया है। अब अमरनाथ जी दूसरे परिच्छेद में क्या कहते हैं वो देखते हैं। बच गया, अमरनाथ जी कहते हैं कि मैं बच गया, इसलिए हैरान हो क्या? मुझे अभी मरना नहीं था, इसलिए बच गया। वे हंसते हंसते ऐसा बोल रहे थे अपने घर वालों को। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे बात कैसी की जाए। जब चुप थे, अमरनाथ अपनी रौब में कह रहे थे, भाग्यशाली हूं इसलिए बच गया। मुझे ड्राइवर का दुख है, अगर मैं उस वक्त बेहोश ना हुआ होता तो उसे बचा लेता, कभी भी मरने न देता। सब चुप उनकी बात सुन रहे थे, उनकी तरफ देख रहे थे। अमरनाथ ने पूछा था, कुछ समस्या? मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम, क्या हुआ? अनिल ने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा था, आप ही बता दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपने आप को समेटते हुए कहा, अमरनाथ जी, ऐसी दुर्घटना से आप बच गए हैं, ये एक चमत्कार है। अब आप ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर थोड़ा सा अटका था। हिम्मत जुटाकर फिर डॉक्टर साहब ने कहा था, देखिए आपकी टांग बुरी तरह कुचली गई है, बिना देखभाल के 4 घंटे आप उस एक्सीडेंट स्थल पर पड़े रहे, उन पैरों में जहर फैल गया है, इसलिए वो डॉक्टर साहब रुके रहे। डॉक्टर साहब फिर कहते हैं कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो पूरे शरीर में जहर के फैलने का अंदेशा है। अमरनाथ ने अपने परिवार के लोगों की तरफ फिर डॉक्टर की तरफ देखा था और हंसते थे। टांग ही तो काटना पड़ेगी डॉक्टर साहब, 60 साल से इन टांगों के साथ जिया हूं, खूब घुमा हूं, पूरी दुनिया देश विदेश में, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, रेगिस्तान में, पठारों में, सभी जगह घूमता रहा हूं। जीने के लिए सिर्फ टांगे थोड़ी ही हैं, मेरे हाथ देखो। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऐसे दिखाए और कहा, देखो मेरे हाथ, मेरा बाकी शरीर है। वे खुलकर हंसते थे, डॉक्टर ने चैन की सांस ली थी। अनिल बढ़कर पिता के गले लग गया था, बाबूजी बाबूजी, अरे इसमें ऐसा क्या है, मेरा जीवन मेरी इस 3 फीट की टांग से तो बड़ा ही होगा ना, फिर क्या है। अमरनाथ की टांग कट गई थी, वे घर गए थे, एक स्वचलित व्हीलचेयर उनके लिए मंगवाई गई थी, जिस पर बैठकर वे घर भर में घूमते थे। अमरनाथ के कहने पर घर में कैनवास, रंग, ब्रश और ईजल सब सामान आ गया था। उन्होंने ईजल पर कैनवास लगाया था। वे हंसते हुए कहते, देखो वर्षों तक मैं चित्रकार बनने और चित्र बनाने की सोचता रहा, पर मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। छात्रों, इस तरीके से दुर्घटना होने के बाद अमरनाथ जी गुफ्तगू कर रहे हैं। अब हम इसके दूसरा परिचय आते वीडियो में देखते हैं।